उस पार्टी के साथ लेफ्ट पार्टी से तो पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुकी है, मार्क्सिज्म पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है। चाइना एक ढकोसला कर रहा है लेकिन वहाँ पर भी मार्क्सिज्म ख़त्म हो चुका है, रशिया, पोलैंड, रोमानिया सब जगह ख़त्म हो गया। वैसी परिस्थिति में एक जेएनयू जैसी जगह में आप मानवता की बात कर रहे हैं, 36 साल उसी कम्युनिस्ट पार्टी ने वेस्ट बंगाल के साथ क्या किया है, तब दीपिका पादुकोण को सोचना चाहिए था। वहाँ की जो स्थिति, आर्थिक स्थिति थी, जो मानवता का जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हनन हुआ है वो वेस्ट बंगाल में मार्क्सिस्ट पार्टी के साथ हुआ है, तब दीपिका जी को सोचना चाहिए था। और इसका वो ज़रूर कहीं ना कहीं एक दिन बैठेंगी तो प्रयासित करेंगी, उनके आने जाने को कोई नहीं रोक करता है, वो सब उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन कब गई, किस लिए गई और क्या वजह थी इसकी जवाबदेही तो कलाकार को देनी होगी, क्योंकि वो कलाकार हैं, व्यक्ति विशेष नहीं है, वो आम जनता के लिए कलाकार है, कलाकार को किसी मंच पर जाने के लिए जवाबदेही तय करनी होगी। देखिए वो देखिए कला की अभिव्यक्ति और कला दो अलग चीज़ें हैं, मैं फिल्म को लेकर नहीं, आपने जो बात कही है वो दीपिका पादुकोण की कही है, मैं उसके लिए जवाब दे रहा हूँ। आप फिल्म ज़रूर देखें, फिल्म को देखने से और ना देखने से कोई रोकेगा नहीं, और फिल्म चलेगी भी मेरे रोकने से, अगर मैं कहूँगा कि नहीं देखिए तो फिल्म को अगर चलना है तो चलेगी वो, उसको लोगों की अभी जो देखना है देखना चाहिए, और इस तरह की कला के प्रति किसी को रोक नहीं कर देनी चाहिए। आप उनके व्यवहार को लेकर, उनके विचार को लेकर आप ज़रूर अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन कि इसकी पेंटिंग फाड़ दो, उसकी फिल्म नहीं रिलीज़ होने दो, ये कैसे हो सकता है? जैसे अभी पिछली बार हुआ, अब वो बुक रिलीज़ हो चुकी है, वो बुक सेंसर नहीं हुई है, बुक को वैसे ही पब्लिश हो गई, तो अब संजय लीला भंसाली का क्या दोष है उसने वो फिल्म बना दी? सबसे पहले तो वो बुक बैन करनी चाहिए। तो हमारे कुछ छोटे छोटे जो विचार हैं वो हमें कहीं ना कहीं हमारी तरक्की में, हमारे विकास में बहुत बाधक होते हैं, और वो हमें सोचना चाहिए, खासकर साहित्यिक लोगों को, हम जैसे लोगों को, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को, क्योंकि हम इसमें हैं, हम आए दिन हमें इसका सामना करना पड़ता है। बाकी और तो लोग एक आध बार कभी आते हैं, हम कल कोई ड्रामा लिखेंगे, कल कोई फिल्म बनेगी, कल कोई हमारी अभिव्यक्ति कविता के जरिए होगी, पेंटिंग के जरिए होगी, अगर उस पर रोक लगेगी तो आप जनता तक नहीं पहुँच पाएंगे, वही आपका जनता तक पहुँचने का जरिया होगा।